फ्लाइंग बीच गौरव तनेजा एक बार फिर फैंस के निशाने पे। हिंदुत्व के फैन गौरव तनेजा को एक बार फिर घेरा जा रहा विवादों में। हम बताएंगे आपको पूरी स्टोरी वीडियो के अंत तक बने रहने। अगर आप नए तो सब्सक्राइब करना ना भूले इस चैनल को। कुछ महीने पहले गौरव तनेजा ने एक ट्वीट शेयर करा था और करी थी बात भोपाल गैस ट्रेजेडी की और उसका रेफरेंस देते हुए बताया हवन को नेचुरल एंटीडोट ऑफ पॉल्यूशन। इस पे काफी लोगों ने उन्हें ट्रोल किया। इस ट्रोल का रिप्लाई करते हुए उन्होंने एक और ट्वीट करा, ब्रेकिंग आफ्टर दिस ट्वीट बर्नौल इज इन शॉर्टेज इन इंडिया। उसके बाद कई और कॉन्ट्रोवर्सी से घिरे रहे, चाहे वो कश्मीर एल्कोहल ट्वीट हो या फिर यमुना क्लीनिंग ड्राइव या नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट ट्वीट या नोएडा अरेस्ट केस। फॉलोअर्स ने उन्हें ट्रोल करना नहीं छोड़ा। आफ्टर नोएडा अरेस्ट उन्होंने एक बार फिर हवन कराया और शेयर करा ये ट्वीट। आज एक बार फिर उन्होंने और ट्वीट करा जहाँ पे वो साइकिल पे नजर आ रहे हैं और कैप्शन में मेंशन है, नमो नमोजी शंकरा भोलेनाथ शंकरा स्टार्टिंग माय कावर यात्रा। जैसे कि सावन का महीना चल रहा है एंड लोग बड़े ही श्रद्धा पूर्वक शंकर जी को अर्पण करते हैं जल। गौरव तनेजा ट्रोल हो रहे इस पिक में पहने गए शूज को लेके। लोग इसे हिंदू सेंटीमेंट से जोड़ रहे हैं एंड ट्रोल करते हुए कुछ ये कह रहे हैं, लगता है इस सावन बर्नौल के ब्रांड एम्बेसडर बनने का मन है, हर हर महादेव। भैया शूज पहन के कांवड़ यात्रा पे कौन जाता है, गौरव भैया ओपी। बच्चों को चाहे एक डिग्री कम पढ़ा लेना लेकिन संस्कार में जरा भी कमी नहीं आनी चाहिए। लेफ्ट हैंड से शिव जी को जल अभिषेक कर रहे हो, शर्मनाक। भाई तुमसे ज्यादा स्वार्थी और चतुरकार इंसान मैंने नहीं देखा। गाइस क्या फ्लाइंग बीच को कॉन्ट्रोवर्सी पसंद है? क्या हिंदुइज्म से रिलेटेड उन्हें जानबूझ के ट्रोल किया जाता है? क्या सच में फ्लाइंग बीच ने गलती करी है? क्या होगा इस ट्रोल के बाद फ्लाइंग बीच का रिप्लाई? आप अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले इस चैनल।